विधानसभा के चुनाव में प्रदेश में काफी उलटफेर देखने को मिला है। बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हैं, जिसका असर सोलन में भी देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस और भाजपा चुनावों के नतीजों से दोनों ही हैरान हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों ही दल अपने प्रदर्शन से इस तरह से खुश नजर आ रहे हैं जैसे प्रलय के बाद जीवित लोग खुशी मनाते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि इस बार चुनाव के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही दलों से धराशायी हुए हैं। यहां तक कि भाजपा से मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल भी जीत नहीं पाए हैं। इस स्थिति में उनके नेता चाहे कम अंतर से ही जीते हैं, वह एक बड़ी जीत है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मुख्यमंत्री घोषित किया था, वो भी चुनाव हार गए हैं। ये एक अभूतपूर्व चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि जिसमें कि आप ये देखिए कि ये भी बहुत बड़ी विजय है धनीराम शांडिल जी की, कि जिस प्रकार का चुनाव हिमाचल में हुआ है उस प्रकार का चुनाव आज तक कभी भी हिमाचल में नहीं हुआ था कि दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं सोलन जिला भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि सोलन में भाजपा ने 5 में से 3 सीटों पर विजय हासिल की है और जो हार हुई है वो बेहद कम अंतर से हुई है। उन्होंने कहा कि वह जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने साथ ही सोलन की जनता को ये आश्वासन भी दिया कि जो सरकार प्रदेश की जनता ने चुनी है वह निष्पक्ष होकर जो विकासात्मक कार्य 5 सालों से ठप पड़े हैं उनमें फिर से तेजी लाई जाएगी। सोलन जिले में हमने 2 सीटें जीती हैं और 1 सीट हम बहुत कम मार्जिन से 671 के मार्जिन से हारे हैं सोलन की सीट, और जो हमारे नालागढ़ की सीट है वो भी हम 1200 के मार्जिन से हारे। मेरा मानना है कि जनता ने अपना जो मत दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। जो 5 साल में विकास जो पिछड़ गया था कांग्रेस सरकार में, वो दोबारा से यहाँ पर विकास शुरू होगा और हर मतदाता को, हर जो यहाँ पे रहने वाला है उसको यहाँ पर हर सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसा मेरा मानना है कि जो लोगों ने एक अच्छी सरकार चुनी है उसका फायदा हर नागरिक को मिलेगा और हिमाचल में सोलन जिला नंबर 1 बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा मानना है।